दबी उठी नहीं थी ये बबनी जी पानी आंदे हां किन्ने माशाल्लाह बादल ने आ गए सी सब्जी लेने वास्ते Thank you.
मक्खन इन्होंने निकाल लिया था, लस्सी बन चुकी थी, वो टेस्ट की, उसके बाद अभी ये आटा गूंदने लगे हैं। और बैकग्राउंड पे आप देख सकती हैं इन्होंने बर्तन स्टोर करने के लिए छोटे छोटे कच्ची मिट्टी के कितने खूबसूरत शेल बनाए हुए हैं, उन पे डिजाइनिंग भी की हुई है, पेंट किया हुआ है। एक कलर तुसा खुद कीते रे? नहीं, कलर ऐसा खुद बढ़वाए से, वल खुद कीते से, पहले मंगवाए से डिजाइन ना, मतलब बड़ा कीते से आप घर, मतलब ऐसा जैसे गांव के लोग है ना, सब कोई चीज का बड़ा शौक होंगे, और ऐसा खुद कीते से ए छोटे छोटे गिलास मिट्टी दे जाए कोई शय ऐसा शौक कनु रख दे। अच्छा वाह जी, और जिस टाइम ऐसा फ्री थे ना काम तो वाली यो काम ही कर रहे हैं, या कोई काम कह नहीं सकता। बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत हुई है इस पे, कितने दिन लगे हैं? वैसे 5-6 दिन लग जाते हैं। अच्छा अच्छा सही। पहले ये मंडी बता देना ਸੋਨਾ ਹੇਕ ਅੰਡਾ ਉਹ ਸਿੰਕਰਾ ਧਿਆਨ ਛੁੱਟੀ ਮੋਗੇ ਸਰ ਦੀ ਮੋਗੇ
ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਚਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ।
फ्रेंड्स जब रोमांटिक मौसम हो, रिमझिम वाला और बारिशों का सीज़न हो, तो तब शहर वाले जो होते हैं ना वो इंजॉयमेंट करने के लिए बाज़ार चले जाते हैं, बर्गर शवारमा इस तरह की चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो जो गांव वाले होते हैं उनके पास ये चीज़ें अवेल तो नहीं होती, इसीलिए ये देख सकते हैं आप पापड़ करारे हो गए या इस तरह की चीज़ें घर में बना के खुद को इंजॉयमेंट करते हैं और इन चीज़ों से अम्यूज़ होते हैं। मूंग के दानों में से मट्टी के कचरे वगैरह साफ किए जा रहे हैं, ये दाने साफ हो जाएंगे फिर इनको करीब करीब जो इलेक्ट्रिकल चक्की है वहाँ पे लेके जाएंगे और आटा पिसवा के ले जाएंगे। जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद होती है उनके लिए ज़रा ये काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो पंखे की हवा की मदद से दाने साफ कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती उनके लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल है।